अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है आर लेयर्स एलिवेशन इन सिंगल कोको पॉइंट इन सिविल 3D एंड एक्सपोर्ट टू एक्सेल। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक टिपिकल नज़र आ रहा है, जिसमें सिर्फ जो है वो इसकी जो साइड में स्लोप वगैरह नहीं है, ये वर्टिकल है और इसमें सुपर एलिवेशन भी यूज़ की गई है। तो यहाँ पे आपको लेयर थिकनेस वगैरह का एक डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो हम चीज़ बनाने वाले हैं कि एक सिंगल कोको पॉइंट के साथ आप अपनी सारी लेयर्स के जो है वो एलिवेशन जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करेगा, आपके पास टॉप की लेयर के जो है वो जितने भी पॉइंट होंगे आपके पास, जैसे यहाँ पे टिपिकल सेक्शन नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये एलिवेशन नज़र आ रहे हैं, ये टॉप लेयर के हैं जो कि BWC टॉप है। तो जब आपके पास ये कॉरिडोर पॉइंट आ जाएंगे तो उसके बाद आप अपने प्लान में या अपने एक्सेल शीट में आप सेम हर स्टेशन के पॉइंट के साथ उसकी लेयर की जो थिकनेस के हिसाब से आप वो जो है सेम कोऑर्डिनेट के साथ आप उसके एलिवेशन हासिल कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे टिपिकल में जो है जो 50 mm का जो है वो BWC है, उसके बाद 70 mm का BBC है, 250 mm थिक जो है वो बेस कोर्स है, उसके बाद 300 mm GSB है और इसमें मैंने सबग्रेड का एलिवेशन भी रखा है। तो अगर आप मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप का आपके पास ऑलरेडी होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एलिवेशन BBC का, यहाँ पे आपको बेस का मिलेगा और यहाँ पे आपको GSB टॉप मिलेगा और ये जो है ये आपका सबग्रेड लेवल होगा। ठीक है, तो आप इसको रखना चाहें नीचे वाली लेयर को तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। हम सबको देखेंगे बारी बारी के ये थिकनेस जो है कैसे हम इसको ले सकते हैं इसमें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये अलाइनमेंट है और इस पे ये कुछ कोको पॉइंट जो है वो मैंने क्रिएट किए हुए हैं जो कि टॉप के पॉइंट हैं। अगर इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ओके, तो यहाँ ये बिल्कुल अभी स्क्रैच से हो जाएगा। ये वही पॉइंट है जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सपोर्ट किए थे। तो यहाँ पे मैंने इसको 25-25 मीटर में लिया है। यहाँ से आपके पास जो भी पॉइंट हो आप यहाँ से इम्पोर्ट करके, यहाँ से आपने इनको इंपोर्ट करना है, जो भी आपका फॉर्मेट है आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके टॉप के पॉइंट जो है यहाँ पे आ गए हैं। अभी अगर यहाँ पे हम इन पॉइंट के साथ देखें जो इनके पास साथ जो बाय डिफॉल्ट लेबल आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एलिवेशन ओनली करूँ तो इसके साथ ये एक सिंगल एलिवेशन है, जबकि हमें इस हर पॉइंट के साथ हर लेयर का एलिवेशन जो है यहाँ पे शो करना है और उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है हम इसके लिए अपना एक पॉइंट फॉर्मेट बनाएंगे। पॉइंट फॉर्मेट के लिए प्रोस्पेक्टर टैब में आपने यहाँ पे सेटिंग टैब में जाना है, यहाँ पे आपने पॉइंट ये जो पॉइंट के साथ प्लस का बटन था इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे लेबल स्टाइल है। तो यहाँ लेबल स्टाइल में यहाँ पे एक ऑप्शन होती है एक्सप्रेशन की, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन बनाता हूँ। तो सबसे पहले है हमारा BWC, ओके, तो ओके यहाँ एक्सप्रेशन में आपने ये जो प्लस का बटन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने पॉइंट एलिवेशन ले लेना है और इसमें से माइनस आपने कर देना है। ये जो है मैं BWC के लिए बना रहा हूँ तो इसमें मुझे वही पॉइंट एलिवेशन चाहिए जो ऑलरेडी ये यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको एलिवेशन कर देता हूँ और जस्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन बन गई है हमारी। यहाँ पे अभी मैं जो है वो दूसरी एक्सप्रेशन बनाता हूँ, तो दूसरी हमारी जो है वो BBC है, ओके, BBC एलिवेशन, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपने पॉइंट एलिवेशन लेना है और अभी हम इसको इसमें से माइनस करते जाएंगे। तो थिकनेस हमारी जो है वो हम इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे जो है वो 050 थी हमारी थिकनेस, ओके, यहाँ पे आपने इसको एलिवेशन असाइन करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे अभी जो है हमारा जो एलिवेशन आ गया है वो हमारा यहाँ पे आ गया है
बीबीसी टॉप का। ओके, बीबीसी टॉप का यहाँ पे एलिवेशन आ चुका है। अभी हमने इसको नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट हमारी एक्सप्रेशन होगी यहाँ पे, ओके न्यू। ओके, न्यू एक्सप्रेशन में हमारा जो है, अभी पहले हमने जो है इसको 50 mm माइनस किया था, अभी हम इसको 120 करेंगे। तो यहाँ पे जो जो है ये हमारा अभी हो जाएगा, बेस कोर्स का एलिवेशन हो जाएगा। ओके, प्रोसीजर सेम ही है, आपने यहाँ पे इसको पॉइंट एलिवेशन देना है और इसमें से माइनस कर देना है 0.120। ओके, यहाँ पे ये जो है ये 120 मैंने इसमें से माइनस कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको एलिवेशन असाइन कर दिया। तो मैंने इसको कम्युलेटिव करके लिखा है यहाँ पे, ताकि हम अपने जो है वो इसको जल्दी से जल्दी कर सकें। तो वो तीन एक्सप्रेशन बन गए हमारे, BWC, BBC, बेस। और यहाँ पे जो है अभी हमने इसको जो है नेक्स्ट एक्सप्रेशन देना है। तो ये हमारा GSB टॉप होगा, GSB। तो ये हमारा जो है यहाँ पे टॉप लेवल से ये जो है 370 है माइनस यहाँ पे पॉइंट एलिवेशन, और यहाँ पे मैं इसको माइनस करता हूँ 0.37, और यहाँ पे आपने इसको एलिवेशन असाइन करना है। ओके, तो ये हमारा फोर्थ लेयर का बन गया यहाँ पे। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है हमारी बाकी है अभी, ठीक है, सबग्रेड टॉप के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सबग्रेड का नाम देता हूँ और एलिवेशन यहाँ एक्सप्रेशन में पॉइंट एलिवेशन माइनस 0.670। ओके, तो यहाँ पे ये जो है मैं इसको एलिवेशन असाइन करता हूँ। ओके, लास्ट एक्सप्रेशन हमारी जो है वो है हमारी एम्बेंगमेंट टॉप। आप इसको देख लें, कुछ भी रख लें, क्योंकि ये लेवल जो है ये यहाँ बॉटम का लेवल आ जाएगा। तो अगर आप इसको रखना चाहें तो रख लें, नहीं रखना चाहें तो नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे आपने इसको पॉइंट एलिवेशन असाइन करना है और माइनस करना है 0.870। ओके, यहाँ पे आपने इसको एलिवेशन असाइन करना है। ओके, एक्सप्रेशन सारी हमारी बन गई है, अभी हमने अपने पॉइंट स्टाइल की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे ये जो है पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये जो एलिवेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं इसको बस ये एक सिंपल सा नाम देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट एलिवेशन है यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो है ये वाला जो है, ओके, यहाँ पे ये हमारा BWC एलिवेशन है। ओके, और इसको ये जो है मैं स्टाइल यहाँ से साइन कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके, और यहाँ प्रॉपर्टी में मैं इसको पॉइंट एलिवेशन रखता हूँ, यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके साथ जो है एलिवेशन जो है एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो BBC है। ओके, और यहाँ पे ये जो है ये पहले वाला जो है वो BWC में करता हूँ इसको। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है हमारा ये BBC है, यहाँ पे मैं इसको असाइन करता हूँ। ओके, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, कोई भी आप कलर जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, बेस का एलिवेशन है हमारे पास, बेस कोर्स का, और यहाँ से मैं इसको बेस एलिवेशन असाइन कर देता हूँ और मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कोई भी आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप रख सकते हैं। ओके, यहाँ बेस का एलिवेशन आ गया हमारे पास, यहाँ पे अभी हमारा GSB का एलिवेशन है। ओके, और यहाँ पे हमने इसको
असाइन करना है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ये जीएस भी है, यहाँ से मैंने इसको असाइन कर दिया। और इसका मैं जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये कलर मैं इसको यहाँ पे कोई दूसरा कलर असाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको ये असाइन कर दिया। और यहाँ पे ये जो है हमारा अभी सबग्रेड आ गया, सबग्रेड एलिवेशन ओके। और यहाँ पे ये जो है इसको मैं यहाँ पे सबग्रेड का एलिवेशन असाइन कर देता हूँ। तो इक्वेशन जो हमने बनाई थी नेक्स्ट वाली, अगर आप उसको रखना चाहें तो आप रख ले, मैं यहाँ पे नहीं ले रहा उसको। हमने जस्ट इसको समझना है कि कितने एलिवेशन हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास BWC है, इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा 50 सेंटी, तो ये BBC टॉप आ जाएगा। इसमें से हमारा मजीद जो है वो 250 माइनस होगा, तो हमारा बेस कोर्स का एलिवेशन आ जाएगा। उसके बाद जो है ये माइनस होता चला जाएगा और ये लेवल जो है वो आते चले जाएंगे हमारे पास। ओके ओके, यहाँ पे ये एलिवेशन बन गया है, लेबर स्टाइल बन गया है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे हर एलिवेशन के साथ, यहाँ पे हर पॉइंट के साथ हमारे पास जो है वो ये लेबल आ गए हैं। यहाँ पे हम कहीं भी देखें, ठीक है, तो ये जो इसके सुपर एलिवेशन के हिसाब से लेबल आए थे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये इसमें एलिवेशन बन के आ गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलिवेशन कैसे चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे ये प्लस में है। तो ये आप इसको करके देख सकते हैं अपने हिसाब से कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा वाइडनिंग का पोर्शन था, ओके। यहाँ पे आप अभी अगर इसको देखें, मैनुअल कैलकुलेट करके देखें, तो ये वाले में से तो आपको जो हमने इसकी एक्सप्रेशन बनाई है उसके हिसाब से ये एलिवेशन आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक वर्किंग कर ली हमने, अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, इन पॉइंट को हमने एक्सपोर्ट करके देखना है। ये वाले जो पॉइंट हैं इनको हमने अभी एक्सपोर्ट करके देखना है, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेल में मिल जाए और हम उसको इजीली प्रिंट करके अपना यूज कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट जैसा है ये ऐसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसके लिए हमें एक फाइल फॉर्मेट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है, अगर आप पॉइंट सेल में आए तो यहाँ पे पॉइंट फाइल फॉर्मेट है, यहाँ पॉइंट फाइल फॉर्मेट में ये वो फॉर्मेट था जो हमने इम्पोर्ट के लिए यूज किया था। तो मैं जस्ट इसको कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे और मैं इसको एक्सपोर्ट का नाम दे देता हूँ, ओके। यहाँ पे मुझे जो एक्सपोर्ट फॉर्मेट चाहिए वो सीएसवी में चाहिए और ये कोमा डेलिमिटर में चाहिए, यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ। तो अभी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले हमें पॉइंट नंबर चाहिए, फिर हमें ईस्टिंग चाहिए और फिर नॉर्थिंग चाहिए। उसके बाद हमें जो पॉइंट एलिवेशन है, पॉइंट एलिवेशन में जो है वो हमारे पास जो है वो बीडब्ल्यूसी एलिवेशन आना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो बीबीसी का एलिवेशन आना चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो बेस कोर्स है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है वो जीएसबी है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो यहाँ पे सबग्रेड लेवल है, तो हमने इतने ही किए थे उसमें। अगर आप एम्बेडमेंट वाला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से इसको जस्ट ओके करता हूँ। फाइल फॉर्मेट हमारा बन गया है, अभी हम अपने पॉइंट को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ग्रुप में जो ऑल पॉइंट है, तो मैं इनको यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट में हमारा ऑलरेडी जो फॉर्मेट हमने बनाया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट का ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ, फाइल जो है वो हमारी क्रिएट हो गई है। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये बनी है या नहीं बनी। तो यहाँ पे मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, तो से यहाँ पे ये जो है ओपन ब्राउज, और यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ, एक्सपोर्ट के नाम से हमने की थी। ये अभी जो है ये फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फाइल जो है ये हमारी एक्सपोर्ट हो गई है यहाँ पे।
ये पॉइंट नंबर है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, एलिवेशन, ये आप कह लें कि ये बीडब्ल्यूसी है, बीडब्ल्यूसी एलिवेशन, बीबीसी एलिवेशन, और इसके बाद है हमारा बेस, उसके बाद हमारा जीएसबी का है, और उसके बाद हमारा सब ग्रेड टॉप का एलिवेशन है। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर था, यहाँ पे ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये हमारा जो है पॉइंट सारे जो है वो लेवल के हिसाब से ये बन गए हैं। आप इनको वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें ये वाले जो पोको पॉइंट हैं, इनमें अगर हम किसी को यहाँ पे पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में अगर चले जाएं तो इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये जो है मैं इसको यहाँ पे एंटरप्राइज करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पॉइंट नंबर जो है वो लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको पॉइंट नंबर ऐड कर देता हूँ। ओके, ये पॉइंट नंबर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको कलर जो है वो मैं कोई दूसरा साइन कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैंने इसको ये वाइट कलर दे दिया। ओके ओके ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 14 जो है इसके एलिवेशन हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं मैच करके कि ये मैच होते हैं कि नहीं होते। तो मैं यहाँ पे न्यू पे करता हूँ। ओके, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 14 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5513 463 393 143 और 843, तो ये सेम वही डेटा है जो वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।